फैमिली तुम ऐसे हैं आप सब, तो आज हम बनाएंगे वर्ड। जिसके लिए मैंने कार्डबोर्ड शीट का टुकड़ा लिया है 12 सेंटीमीटर का। उसके बाद मैंने येलो कलर की वूल ली है, उसके मैं 50 राउंड पे राउंड राउंड करूँगी। उसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। ऐसे ही मैंने सेम ब्लू कलर का भी रेडी कर लिया है 50 राउंड्स का। उसके बाद हम इन दोनों में अच्छे से नॉट टाई कर देंगे इस तरह से। उसके बाद मैंने पिंक वूल ली है, उसको मैंने 8 सेंटीमीटर के कार्डबोर्ड पर 50 राउंड्स दिए हैं। उसके बाद मैं इसे कुछ इस तरह से नॉट करूँगी। येल्लो और ब्लू वाले को एक साथ इकट्ठा करने के बाद पिंक वाले को साइड से रबर बैंड से कुछ देर के लिए सिक्योर कर देना है इस तरह से। बाद मैंने पीछे की साइड नॉट टाई कर दी है येलो और ब्लू वाले में। उसके बाद मैंने पिंक वाले की रबर बैंड को हटा दिया है। उसके बाद मैं इसे भी अच्छे से नॉट टाई कर दूंगी। इस बार मैं तीनों को एक साथ नॉट टाई करूंगी इस तरह से। बाद मैं इसको शेप दूंगी वूल को कट करके, यानी कि मैं इसकी हेयर कटिंग करूंगी इस तरह से। मुझे अच्छे से शेप दे देती हूँ इसे। हमारी सुंदर सी वर्ड बन के रेडी हो गई। उसके बाद मुझे इसकी चोंच बनानी, जिसके लिए मैंने रेड कलर की वूल का टुकड़ा लिया। उसके बाद हमें नॉट टाई करते जाना है, सिंपल सी नॉट टाई करना है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। इस तरह से नॉट टाई करते जाना है। हमने 3-4 नॉट टाई किए हैं, तो उसके बाद ये हमारी बहुत ही सुंदर सी चोंच तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें एक अच्छे से नॉट टाई करके इसे कट कर लेंगे। चिड़िया की आंखें भी बना ली हैं। आप कोई भी ब्लैक मोती या कोई ब्लैक पेपर से आईज ड्रॉ करके कट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने चोंच और आंखों को उस पर अच्छे से चिपका दिया है। देखो हमारी कितनी सुंदर सी वर्ड बन के तैयार हो गई है। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।